अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। हम लाए हैं आपके लिए 5 राज्यों की विशेष खबरें। सांसद किरण खेरी बोली, अब मैं भी ससुराल सर उठाकर जा सकती हूँ। श्री कृष्ण जन्म उत्सव मेले की हुई शुरुआत, चलेगा 17 सितंबर तक। हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेताओं ने स्वर्गीय अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया। मंगलवार से हरियाणा सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर। सुब्रमण्यम स्वामी पर बरसे पंजाब तकनीकी और शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। केंद्र ने मानी सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल में 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। दिल्ली में सरकारी स्कूलों के 10वीं 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई केंद्र की 50 योजनाएं। अब खबरें विस्तार से। अनुच्छेद 370 का टूटना सिर्फ कश्मीर में रहने वालों के लिए खुशी का मौका नहीं है, बल्कि इससे मैं कश्मीर की बहू भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सांस्कृतिक गौरव संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम वेकेशन ऑफ पीओके पर सांसद किरण खेर ने कहा कि इसके बाद अब मैं भी ससुराल सिर उठाकर जा सकती हूँ। किरण खेर के पति बॉलीवुड के महानायक अनुपम खेर कश्मीरी पंडित हैं। सेक्टर 45 के मंडी ग्राउंड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला शुरू हुआ है, जो 17 सितंबर तक चलेगा। इस मेले में कला के रंग देखने के अलावा कई कॉम्पिटिशन भी आयोजित होंगे, जैसे सिंगिंग, हेड राइटिंग, रंगोली, डांस। मेले की जानकारी देते हुए डायरेक्टर दलबीर सिंह देशवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हमने इसका आयोजन इसलिए किया ताकि शहर के लोगों को कुछ खास दे सके, ताकि वह इस पल को खास बना सके। यहां पर कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेताओं ने स्वर्गीय अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया। हरियाणा सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर दिवंगत आत्मा के सम्मान में प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। शनिवार को पूर्व वित्त मंत्री का एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने शोक व्यक्त करते हुए अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने शोक संदेश में कहा कि जेटली भाजपा के वरिष्ठ और साफ छवि के नेता थे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिए गए 4 सितंबर को बातचीत के निमंत्रण को ठुकराते हुए 32,000 कर्मचारियों ने 27 अगस्त से 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। CITU से संबंधित ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने भी 27, 28 एवं 29 सितंबर को 3 दिवसीय हड़ताल करने का निर्णय लिया है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की मंगलवार से शुरू होने वाली 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल से पहले सोमवार को भी सभी शहरों एवं कस्बों में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी पर बरसे पंजाब तकनीकी और शिक्षा मंत्री चरणजीत चन्नी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के करतारपुर कॉरिडोर पर दिए बयान के बाद पंजाब में सियासत गर्मा गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रोपड़ में कहा कि स्वामी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसे बयान देने और एक भाईचारे की भावनाओं से खेलना बहुत बुरी बात है। चन्नी ने कहा कि भाजपा सिख कौम के खिलाफ RSS के चल रहे एजेंडे को बंद करे। करतारपुर कॉरिडोर सिख कौम ही नहीं बल्कि समूचे नानक नाम लेवा लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जेल स्रोत विभाग से कहा है कि फिरोजपुर सीमा पर स्थित टेंडीवाल बांध की मजबूती में सेना के साथ मिलकर योजना बनाए। सीएम की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित राज्यों में पंजाब और शामिल कर लिया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब सरकार को जानकारी दी है कि केंद्रीय टीम बाढ़ का जायजा लेने जल्द पंजाब का दौरा करेगी। सीएम ने फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, रोपड़ में बाढ़ का जायजा लेने को बैठक की। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर हिमाचल सरकार ने 25 और 26 अगस्त 2 दिन राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 दिन किसी भी प्रकार का आधिकारिक समारोह नहीं होगा। शनिवार को जेल विभाग ने रविवार को कंडा जेल में
प्रस्तावित कारा जंक्शन कार्यक्रम पूर्व वित्त मंत्री के निधन के बाद स्थगित कर दिया था। इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से हिमाचल में 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज आगामी 2 से 3 घंटों के दौरान सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर सहित शिमला में बारिश होने की संभावना जताई गई है। कांगड़ा जिला की गोलाधार रेंज में भी बारिश की संभावना है। शनिवार को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का क्रम 30 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 10वीं 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा शुल्क दिल्ली की केजरीवाल सरकार देगी। शिक्षा निर्देशालय की तरफ से इस बाबत सरकार से सहायता प्राप्त और पत्रचार विद्यालय के प्रमुखों को सर्कुलर जारी किया है। सरकार की तरफ से इन छात्रों का बोर्ड परीक्षा का शुल्क केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया जाएगा। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों को छात्र छात्राओं से शुल्क नहीं लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 20वें दिन केंद्र सरकार ने यहां विकास की रफ्तार बढ़ा दी है। रविवार को राज्य में केंद्र सरकार की 85 योजनाएं शुरू कर दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि 21 मंत्रालयों के तहत आने वाली इन योजनाओं के 100% कवरेज और 3 सितंबर के अंदर पूरा कर लिया जाए। इन योजनाओं में अटल पेंशन, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, हर घर को बिजली आदि योजना शामिल है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।